बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। टुडे वी हियर इन कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाई डाउन सेल। दिस इज द आर्टिकल ऑफ चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री सेकंड ईयर। सो हियर व्हाट इज द आर्टिकल, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाई डाउन सेल। कमर्शियल प्रिपरेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ की तैयारी बड़े पैमाने पर और किसकी, यहाँ पे सोडियम की बाई डाउन सेल, डाउन सेल को इस्तेमाल करते हुए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनके मानी भी आपको बताता चलूँ, ताकि मेन तो आपका है ना अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ चीज़ों को याद करना, और आपको इंग्लिश मीडियम का जो इशू है वो भी हम इसको इसमें रिजॉल्व करेंगे इस मेथड में। तो कहते हैं मोस्ट ऑफ सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस्ड बाय, हाँ जी, अक्सर जो सोडियम मेटल आपको लेबॉरेटरी में या जहाँ कहीं भी मिलती है वो हम कैसे पता करते हैं, कहते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। फ्यूज सोडियम क्लोराइड कौन सा होता है? पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। अभी पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से सोडियम इस्तेमाल करते हैं। सिंस चूंकि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 801 डिग्री सेंटीग्रेड, चूंकि सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, सम कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हाँ जी, थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया जाता है क्या करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए, एंड टू परमिट द फर्नेस टू ऑपरेट एट अबाउट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फर्नेस जो है वो अब 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट करने से हमारा जो रिएक्शन है वो हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। तो कैल्शियम क्लोराइड ने क्या किया है, मेल्टिंग पॉइंट जो है 801 डिग्री से कम करके, 801 डिग्री से कम करके 600 डिग्री पे लिया है। कौन? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक हो गया जी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, वाई वी ऐड कैल्शियम क्लोराइड। तो याद रखिए कि यहाँ एक छोटी सी बात कि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो यहाँ इम्प्यूरिटी के तौर पे काम देता है। इम्प्यूरिटी जब भी आप डालते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे आइसक्रीम है या मतलब बर्फ़ है आपके पास, उसमें आप सोडियम क्लोराइड या नमक वगैरह डाल दें तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है, मैं अगर मूव करूँ नेक्स्ट पैराग्राफ, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, हाँ जी ये सारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, द लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट, हाँ जी ये खड़ा है ग्रेफाइट का एक बड़ा ब्लॉक, ये जो आपको नजर आया जिसके ऊपर पॉजिटिव का साइन लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ जी, लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट, लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट, और इसके ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एनोड है, क्योंकि ये क्या है जी, एनोड है। उसके बाद हम थोड़ा आगे मूव करते हैं, कहते हैं अबव विच जिसके ऊपर देयर इज अ डोम, हाँ जी इसी के ऊपर आप देखें तो ये गुंबद साहब को नजर आ रहा है, ये गुंबद सा नजर आ रहा है। किसके ऊपर? एनोड। किसका बना हुआ एनोड? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन। कौन सी कार्बन? ग्रेफाइट कौन सी कार्बन? जो कि कंडक्टर भी होती है, ताकि कंडक्टिविटी हो सके, इस पर ऑक्सीडेशन हो सके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सके ऑक्सीडेशन, और दूसरा ये कि ये न्यूट्रल भी होता है, यानी रिएक्शन में हिस्सा भी नहीं लेता, यानी सोडियम क्लोराइड के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। उसके बाद क्या है? डोम फॉर द कलेक्शन ऑफ क्लोरीन। अब जहर है, हमने इसमें सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है, तो क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन नेगेटिव होने की वजह से वो इधर सोडियम जो सॉरी एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ जाएगा, और वहाँ जाके क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाएगा, और क्लोरीन गैस यहीं बनेगी, और ऊपर ये जो गुंबद सा बना हुआ है तो गैस हमेशा ऊपर उठती है, तो ये ऊपर उठती उठती यहाँ जनाब हम पाइप से इसको अलग कर लेंगे, ये प्योर क्लोरीन सेपरेट करने में हम कामयाब हो गए। तो ये जो गुंबद है ये इसका यही मकसद है कि ऊपर उठने वाली गैस क्लोरीन को सेपरेट किया जा सके। उसके बाद क्या है, कैथोड इज अ सर्कुलर बार ऑफ कॉपर और आयरन। हाँ जी, एनोड के बाद अब कैथोड की बात हो रही है। तो ये बेटा देखो ये कैथोड है, ठीक है ना, ये कैथोड है, ये कैथोड है, ये कैथोड आपको नजर आ रहा है, और याद रखो कि ना ये सर्कुलर है, यानी ये फुल सर्कल में है, चारों तरफ एनोड के चारों तरफ रिंग बनाए हुए है। हाँ, कौन? कैथोड। एनोड के इर्द गिर्द क्या है? रिंग बना हुआ है। ये तो जाहिर है क्रॉस सेक्शनल इसका एक कट है, जैसे आप किसी चीज को सेंटर से कोई भी मशीन है या डाउन सेल की एग्जांपल ले लें, सेंटर से अगर आप काटें तो अंदर से आपको कैसी दिखती है, ये तो है वो, एक्चुअली तो ये जनाब रिंग की शक्ल में है, ठीक है, कैथोड। तो यहाँ पे कहता है कि ये कॉपर का या आयरन का बना हुआ है, तो यहाँ तक भी हमें क्या पता चला कि एनोड जो है वो ग्रेफाइट का है, कैथोड जो है वो कॉपर आयरन का, ठीक है, कॉपर या आयरन का है, और ये कैसे, विच सराउंड जो घेरे हुए है द एनोड, एनोड को, हाँ जी मैंने कहा ना कि रिंग बनाए हुए जी, सराउंड द एनोड बट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय आयरन स्क्रीन। हाँ जी, याद रखिए कि ये एनोड अंदर है, कैथोड बाय रिंग बनाए हुए है, और एनोड और कैथोड के दरमियान भी कोई चीज है, ये आपको डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये क्या है, ये है स्क्रीन, किस चीज की, आयरन की बनी हुई, इसका काम क्या है, सेपरेटेड लिखा हुआ है, इसका काम है एनोड और कैथोड को, एनोड और कैथोड को एक दूसरे से अलग करना, ताकि एनोड कंपार्टमेंट अलग हो जाए, जी एनोड का खाना अलग हो जाए और कैथोड का अलग हो जाए, एनोड और कैथोड कंपार्टमेंट अलग हो जाए, एनोड और कैथोड कंपार्टमेंट अलग करने का मकसद क्या है बोला, ताकि जो चीज एनोड पे बांध रही है मसलन क्लोरीन,
और जो चीज़ कैथोड पे बनेगी मसलन सोडियम, तो ये बनने के बाद दोबारा ना मिक्स हो जाए, तो आयरन स्क्रीन जो है ना वो इन दोनों के दरमियान रखी गई है, वो भी जाए सर्कुलर फॉर्म में, एनोड को उसने घेरे में लिया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो मुकम्मल तौर पर ताकि कैथोड और एनोड कंपार्टमेंट एक दूसरे से जुदा जुदा हो जाए। कहता है आयरन स्क्रीन विच टर्मिनेटेड इन अ गॉज, हाँ जी ये ज़ाहिर है जाली नुमा है ताकि इसमें जो है आइंस, ठीक है हाँ, वो आराम से गुजरते रहें, लेकिन जो डिस्चॉयड सोडियम मेटल है मेटेलिक फॉर्म में यानी प्रोडक्ट्स क्लोरीन प्रोडक्ट और सोडियम प्रोडक्ट वो मिक्स ना होने पाए। तो कहता है दिस अरेंजमेंट, हाँ जी ये जो सारी अरेंजमेंट है परमिट्स, इजाज़त देती है इलेक्ट्रिक करंट टू पास फ्रीली, हाँ जी इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो आराम से गुजरता रहता है। यहाँ पे बैटरी समझो रखी हुई, यहाँ पे बैटरी रखी हुई है और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इधर एनोड के साथ जुड़ा हुआ है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर कैथोड के साथ जुड़ा हुआ है और ये सर्किट जो है ना ये मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। हाँ सर्किट जो है वो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और बैटरी में से होते हुए कैथोड की तरफ जाएंगे, तो यूं ये सर्किट चल पड़ेगा एनोड से बैटरी, बैटरी से कैथोड की तरफ, तो ये जो है ना करंट पास होता रहेगा। बट प्रिवेंट्स सोडियम एंड क्लोरीन फ्रॉम मिक्सिंग, हाँ जी जो प्रोडक्ट्स बने हैं पहले मैं बात कर चुका हूँ सोडियम और क्लोरीन के प्रोडक्ट्स, ये जुदा जुदा रहेंगे मिक्सिंग आफ्टर दे हैव बिन सेट फ्री एट द इलेक्ट्रोड, ये चूंकि अपने अपने इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड के ऊपर बने तो ये अलग ही रहेंगे। अब मैं बेटा नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ जी, फोकस कीजिए। सोडियम कहता है कि यहाँ पे सोडियम मेटल राइजेज इन स्पेशल कंपार्टमेंट फ्रॉम विच इट इज टेकन आउट एट इंटरवल्स, ठीक है। हाँ कहता है कि जो सोडियम है ना जी, सोडियम वो अपने कंपार्ट में क्या होता रहेगा, अपने कंपार्ट में ऊपर उठेगा। हाँ ये मैं दोबारा से आपको दिखा दूँ, हाँ जी ये चूंकि कैथोड कंपार्ट ही है, ये थोड़ा फोकस कीजिएगा बेटा, हाँ ये सॉरी, हाँ जी ये कैथोड कंपार्ट है, तो इधर जो है ना वो सोडियम इकट्ठा हो रहा है, सोडियम बन रहा है, तो ये जनाब सोडियम बनता जाएगा ये कैथोड कंपार्टमेंट भरता जाएगा, ठीक है। तो ये इधर गुंबद की तरफ तो अंदर तो आ नहीं सकता क्योंकि सेपरेशन है, तो ये जो इर्द गिर्द कैथोड कंपार्टमेंट है ये भी सर्कुलर, तो कंपार्टमेंट का मतलब खाना यार, चैम्बर खाना, तो वहाँ ये ना इकट्ठा होता जाएगा, ये इकट्ठा होता होता ऊपर मतलब इसका लेवल बढ़ता जाएगा जो जो सोडियम ज़्यादा बनेगा, और इवन के यहाँ ये आउटलेट है यहाँ से ये सोडियम अलग हो जाएगा, ठीक हो गया जी। हाँ जाहिर है जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ेगा ये राइज अप होगा और यहाँ से सोडियम जो है वो अलग हो जाएगा और ये प्योर सोडियम है, तो यहाँ ये आपको दिखाना मकसूद था। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, तो हाँ एट इंटरवल का मतलब मैंने वक्फों से वो जो है वो बैर सोडियम निकलता रहेगा। उसके बाद द सेल प्रोडक्ट्स, सेल प्रोड्यूस ड्राई क्लोरीन, हाँ जी ये जो क्लोरीन अभी आपको नजर आ रही थी जो खारिज हो रही है डोम में से ऊपर की तरफ एनोड एनोड के बिल्कुल टॉप पे, वो कहता है कि ये 99% जो है अपना प्योर सोडियम हमें देगी, क्लोरीन भी प्योर होगी और सोडियम भी देख लें उसकी परसेंटेज देख लें 99.9 यानी क्वाइट नियरेस्ट टू 100% प्योर सोडियम, ठीक है ये बड़ी बात है। द प्रोसेस इज कैरिड आउट, ये जो अमल है प्रोसेस है पाया तकमील को पहुंचता है एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ जी तो ये देख लें हमारा फ्यूल भी बच गया है, वक्त भी बच गया है टेम्परेचर को डाउन करके 801 से कम करके जो है कैल्शियम क्लोराइड इम्प्यूरिटी के तहत डाल के, एंड इट हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, हाँ जी डाउन सेल में हमें और भी फायदे हैं। नंबर एक मेटेलिक फॉग इज नॉट प्रोड्यूस्ड, हाँ जी इसके अंदर जो मेटल के एटम्स ने डिस्पर्स होना था, वेपर बनने थे मेटल्स के, एक धुंध सी बननी थी, ठीक है अंदर वेपर्स से जो धुआं सा बनना था वो नहीं बनता, नंबर एक। नंबर टू लिक्विड सोडियम कैन इजीली बी कलेक्टेड एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ सोडियम लिक्विड फॉर्म में है तो आराम से ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इकट्ठी की जा सकती है, कलेक्ट की जा सकती है, स्टोर की जा सकती है, वहाँ से सेल से बाहर निकाली जा सकती है, इतना कि इसका फ्लो होता है। मटीरियल ऑफ द सेल इज नॉट अटैक्ट बाय प्रोडक्ट्स, हाँ ये जो दो प्रोडक्ट बने हैं सोडियम और क्लोरीन ये सेल के मटेरियल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, जो ये प्रोडक्ट बने हैं हाँ तो कोई रिएक्शन नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि पता चले कि सेल खुद जो है वो डैमेज हो गया है, उसकी क्रोजन हो गई है या उसने रिएक्शन कर लिया है। तो ये बेटा अब लास्ट बात, ड्यूरिंग द प्रोसेस फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, हाँ जी जो मतलब जहर रिएक्शन हो रहे हैं प्रोसेस में उसको वो बता रहा है, तो सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड हमने लिया है, इस सोडियम क्लोराइड के साथ आप ज़रूर बेटा ब्रैकेट में लिखेंगे मोल्टन, ठीक है यानी पिघला हुआ, और पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड कौन सा होता है जिसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अलग हो जाए, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अलग हो जाए, हाँ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड आपने लिया ना, फ्यूज का मतलब पिघला हुआ मोल्टन, और मोल्टन का मतलब है कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग, अब क्या होगा
कैथोड पे रिएक्शन हम देखेंगे, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, और रिडक्शन के एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप खुद देखें, जाहिर है कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज वाला उधर जाएगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन वसूल करेगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा, सोडियम मेटल में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन एनोड पे है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर है सोडियम क्लोराइड में दूसरा क्लोराइड आयन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ जाएगा और वहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो सी एल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन उसके पास है वो खारिज कर देगा। और ये सी एल जो है, ये सी एल नेगेटिव जो है वो सी एल में तब्दील हो जाएगा, लेकिन ये सी एल चूँकि आज़ादाना एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली, ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, तो ये सी एल टू फॉर्म में रहेगा। यही वजह है कि इसको बैलेंस करने के लिए उसने स्टार्ट में 1/2 लिख दिए, ठीक है। यूँ बेटा जो है ये क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो गई है कहाँ पे, एनोड पे, और सोडियम मेटल प्रोड्यूस हो गई है कहाँ पे, कैथोड पे। अब अगर आप चाहें कि ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो आप नीचे एक लाइन खींचें यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ एक लाइन खींच दें, ये लाइन खींची गई। और अब इसके बाद आप क्या करें, सारे अपना कैथोड और एनोड रिएक्शन को, यानी रिडॉक्स रिएक्शन को आप क्या कर दें, ऐड कर दें, हाँ दोनों रिएक्शन को, एनोड कैथोड रिएक्शन को क्या कर दें, ऐड कर दें, लेकिन क्या करके, जो सिमिलर चीज़ें हैं उनको कैंसिल आउट करके। तो इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इनको कैंसिल करो, पीछे बच गया इधर सोडियम आयन, हाँ जी, तो ये लिख दिया मैंने सोडियम आयन। और उसके बाद हमारे पास लेफ्ट साइड पे दूसरा कौन है जी, क्लोराइड आयन, तो ये आ गया क्लोराइड आयन। आगे क्या है जी, एरो साइन, तो ये आ गया एरो साइन। उसके बाद है जी सोडियम मेटल, हाँ जी सोडियम मेटल, तो वो आ गया। और उसके बाद है जी क्लोरीन गैस Cl2, ठीक है। तो यूँ बेटा जो है ना, ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन बन गया। अब अगर आप चाहें कि इसको बैलेंस करना है, तो ये क्लोरीन जो है ये दो हैं, तो यहाँ क्लोरीन कितने हैं, एक, तो यहाँ आप स्टार्ट में दो का इजाफा कर दें। और फिर याद रखिए कि सोडियम भी जहर है, हमें उस एतबार से दो ही लेना पड़ेंगे, यहाँ इस सोडियम के साथ दो और इस सोडियम के साथ भी दो आएगा। उसकी वजह क्या है, सोडियम के साथ दो वाला क्यों आएगा, इस वजह से आएगा कि अगर क्लोरीन हम दो लेंगे तो क्लोरीन यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन फिर खारिज करेगी, दो क्लोराइड आयन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे, तो फिर वसूल भी दो ही होंगे। अब एक सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन वसूल करता है, तो दो सोडियम आयन दो इलेक्ट्रॉन वसूल करेंगे ना, तो ये यहाँ इस वजह से फिर दो आएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप ये इसको बैलेंस ना भी करें दो दो फिर भी ठीक है, कर दें तो फिर भी ठीक है। तो ये दैट इज ऑल अबाउट डाउन सेल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एट कमर्शियल स्केल, एट लार्ज स्केल। स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।